आगरा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह आज हुमा जाफर बरसेगा सोना मिलेंगे इतने मेडल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का 88वां दीक्षांत समारोह 13 अप्रैल को खंडारी परिसर स्थित शिवाजी दीक्षांत मंडप में होगा। शिवाजी दीक्षांत मंडप में होगा, इसमें पदकों के साथ 82 छात्र छात्राओं की मेधा चमकेगी। FH मेडिकल कॉलेज की हुमा जाफर को सर्वाधिक 11 पदक मिलेंगे, कुल 123 पदक दिए जाएंगे। मंगलवार को दीक्षांत समारोह का रिहर्सल किया गया। रिहर्सल की कड़ी में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आशु रानी के नेतृत्व में कुलपति आवास से दीक्षांत समारोह की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य व बाकी शिक्षक शामिल हुए। NCC की 70 NCC कैडेट्स ने कुलपति को सलामी दी। शोभा यात्रा में यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल का घोष दल भी शामिल हुआ। शोभा यात्रा शिवाजी मंडप पहुंची, इसके बाद राष्ट्रगीत और विश्वविद्यालय के कुलगीत का गायन किया गया। 88वें दीक्षांत समारोह को शुरू कराने की घोषणा की गई। इस दौरान जल भरो अभियान की शुरुआत भी की गई। जल की जीवन में महत्ता को गीत के माध्यम से समझाया गया। इसके बाद डिग्रियों में पदक दिए जाने का रिहर्सल किया गया। हालांकि रिहर्सल की 2 बार लाइट चली गई। देर तक रिहर्सल बिना लाइट और माइक से की गई। रिहर्सल में कुल सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश, प्रोफेसर अजय तनेजा, प्रोफेसर विनीता सिंह, प्रोफेसर लवकुश मिश्रा, प्रोफेसर भूपेंद्र स्वरूप शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। संचालन प्रोफेसर सुगम आनंद ने किया। प्रोफेसर MM सालुखे होंगे मुख्य अतिथि। दीक्षांत समारोह में भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर MA सालुखे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का कार्यक्रम दूसरी जगह लग गया है, वे दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं होंगे।